तो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना ई वोटिंग कार्ड जो है अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही में ये भी चेक कर सकते हो कि आपका जो वोटिंग देने जाना है वो कौन से पोलियो बूथ पे आपका वोटिंग आया हुआ है, जहाँ पे जाकर आप किसी को भी वोट कर सकते हो। ये सब आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, न्यू ज्ञान सम्राट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑन नोटिफिकेशन के लिए इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आपको ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। वैसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, जो पहला ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो अपने जो वोटिंग कार्ड को, और दूसरा जो है यहाँ पर कॉल योर वोटर हेल्पलाइन नंबर, अगर कुछ चाहिए तो कॉल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि तीसरा जो है ऑनलाइन फॉर्म्स, अगर आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो, वोटिंग कार्ड के लिए फॉर्म यहाँ से भर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप ऑनलाइन कैसे भरना है, आप मुझे बताइए। फिलहाल इस वीडियो में चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप अपना ई वोटिंग कार्ड डाउनलोड करोगे। उसके लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सर्च बाय बारकोड, यानी आपके पास वोटिंग कार्ड है अगर उसके ऊपर बारकोड बना, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हो स्कैन करके। और दूसरा देखिए सर्च बाय डिटेल्स, अगर आप अपना नाम, फादर्स नेम, एज और सब कुछ यहाँ पर फिल करते हैं तो उससे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जल्दी आता नहीं है। बट अगर प्रॉपर सर्च करें, प्रॉपर यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे तो सर्च में आ जाता है। यहाँ पर देखिए सर्च बाय आपके वोटिंग कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर डाल के आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है अपना नंबर डालकर यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंटर योर नंबर यहाँ पर डालना, तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखिए सर्च का आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पूरा यहाँ पर जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आपका जो है ई वोटिंग कार्ड जो है यहाँ पर शो कर दिया है, और साथ ही में आपको फुल डिटेल्स के साथ में आपको पोलिंग स्टेशन का भी यहाँ पर आपको एड्रेस और नेम आपको दिखाई देगा कि आपको कहाँ पर जाकर वोटिंग करना है। और साथ ही में फ्रेंड्स, ये भी आपको देखेगा कि आपको कौन से रूम में जाना है, ये भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो मतलब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके वोटिंग कर सकते हो और अपना इस तरह से ई वोटिंग कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक आइकॉन बनी हुई, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करेंगे आपका वोटिंग कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, जो कि पूरा फुल जो है यहाँ पर आपको डिटेल्स आपको मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ही आपको अपना ई वोटिंग कार्ड डाउनलोड करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है वोटर कार्ड को, अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसकी भी वीडियोस बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और उससे देख पाओ। फ्रेंड्स, मिलते कल एक नई वीडियो में।